अस्सलाम वालेकुम डियर कोर्स मेंबर्स, अब हम अगली एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे जिसका नाम है डिसोसिएशन एक्सरसाइज। ये एक बहुत ज़बरदस्त और पावरफुल एक्सरसाइज है। इसका मकसद ये है कि हम ज़िंदगी में हमारे ऊपर डिफरेंट चीज़ों की उलझने और तकालीफ और फ्रस्ट्रेशन, एनजाइटी वगैरह हमारे ऊपर जो असरअंदाज हो रही होती है, हम उसका हल करते हैं। इस एक्सरसाइज में हर उलझन का हल है, और हल इस तरह है कि जैसा आप जानते हैं कि हम अपने हालात को तब्दील नहीं कर सकते, हम अपनी दुनिया को तब्दील नहीं कर सकते, हम अपने आसपास के लोगों को तब्दील नहीं कर सकते, हम लोगों के रवैयों को तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन हम ये तब्दील कर सकते हैं, हम ये सीख सकते हैं कि हमने लोगों के इस रवैयों को, अनवांटेड हालात को, बैड सिचुएशंस को और अनवांटेड सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड कैसे करना है, इन चीज़ों का कितना अपने ऊपर असर लेना है और कितने अच्छे तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करना है, ये हम सीख सकते हैं और ये हम अपने अंदर बदल सकते हैं। इस एक्सरसाइज का नतीजा इस तरह सामने आता है कि हमारे ऊपर किसी चीज़ का जब असर हो रहा होता है, मिसाल के तौर पर अगर हमें किसी चीज़ की स्ट्रेस है, किसी चीज़ की टेंशन है, तो वो हमें इतनी हमारे ऊपर एक तरह से वो बोझ बन जाती है, हमारे जैसे हमारे सर के ऊपर बोझ हो, हमारे नफ्स के ऊपर बोझ हो, जैसे हमारे दिमाग में कांटे चुभ रहे हों, जैसे हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पिंच कर रही हो, तंग कर रही हो मुसलसल, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा सारा ध्यान उस उलझन और उस टेंशन और उस पिंचिंग की तरफ होता है, जिससे हमारी हमारा जहन, क्रिएटिविटी हमारी ख़त्म हो जाती है, हमारी सलाहियतें मान पड़ जाती हैं, और जितने अच्छे तरीके से हम आमतौर पर ज़िंदगी में परफॉर्म करते हैं वो हम नहीं कर पाते, और उन हालात से जिस तरह हमें लड़ना चाहिए हम वो भी नहीं कर पाते। तो इस एक्सरसाइज का नतीजा इस तरह आता है कि इसका ये असरात और उसका ये बहुत ज़्यादा असर हमारे हमारे ऊपर हम ले रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाता है, और इसको हम एक नॉर्मल सी चीज़ समझते हैं, जिससे हमारी सारी सलाहियतें वापस आ जाती हैं, हमारी इंटेलिजेंस वापस आ जाती है, और हम बहुत अच्छे से इन चीज़ों से भी लड़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद की तरफ भी तेज़ी से दौड़ सकते हैं। तो ये हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइज हमने करनी किस तरह है। आप मिसाल लें कि आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस है या एन्जाइटी है, तो जब आप स्ट्रेस का तसव्वुर करेंगे, जब आप किसी चीज़ की आपको स्ट्रेस हो, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, वो हमें ऐसे महसूस होती है जैसे हमारे सर के इर्द गिर्द जो है कोई कोई चीज़ मौजूद है फिज़िकली, जो हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, जो हमें कांटों की तरह चुभ रही है, जो हमें मुसलसल पिंचिंग की कैफियत वो दे रही है, या मुसलसल हमारे ऊपर बोझ डाल रही है, हमारे सर के ऊपर, हमारे शोल्डर्स पे, हमारी नेक पे, इस तरह हमें फील होती है एनजाइटी या हमें स्ट्रेस या हमें टेंशन, सब चीज़ें हमें इस तरह फील होती हैं। आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। अब एक्सरसाइज इस तरह करनी है कि फ़र्ज़ करें आपने ये तसव्वुर करना है कि आपको जो अपनी फलां काम की या फलां मुश्किल की वजह से जो आपको स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस के जो वायरस है या उसकी जो सॉफ्ट फॉर्म है या उसके जो जर्म्स हैं, वो आपके सर के इर्द गिर्द चारों तरफ इस तरह मौजूद हैं जैसा मैंने आपको तस्वीर में दिखाया है। ये एक्सरसाइज आप आंखें बंद करके करेंगे, अपनी अल्फा स्टेट हासिल करके करेंगे, जिस्म जहन को रिलैक्स करके, सोचों से जहन को खाली करके, आंखें बंद करके, फिर आप इस तरह तसव्वुर करेंगे कि आपको जो फलां काम की स्ट्रेस है, उसके जर्म्स, उसके वायरस, उसके सॉफ्ट फॉर्म इस तरह आपके सर के इर्द गिर्द मौजूद है जिस तरह मैंने दिखाया है। इस तरह भी आप तसव्वुर कर सकते हैं, आप एग्जैक्ट वायरस की शक्ल में भी तसव्वुर कर सकते हैं, डार्क ग्रे ब्लैक क्लाउड्स की सूरत में भी कर सकते हैं, या कोई भी सूरत जो आपको खुद से नज़र आए आप उसको भी इमेजिन कर सकते हैं। तो आपने पहले ये इमेजिन करना है कि आपको जो फलां काम की स्ट्रेस है, उसके जर्म्स, उसका वायरस आपके सर के इर्द गिर्द इस तरीके से मौजूद है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी पावर ऑफ इंटेंशन से ये तसव्वुर करना है और महसूस करना है कि आपके सर के अंदर से स्ट्रॉन्ग रेज निकल रही हैं, श्वाएँ निकल रही हैं, एक दायरे की शक्ल में निकल रही हैं, सर के चारों तरफ से निकल रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम पानी में अगर पत्थर फेंकें तो जैसे लहरें बनती हैं और बनती चली जाती हैं, इसी तरह आपके सर के अंदर से लहरें निकल रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही हैं, मुसलसल नई लहरें बनती जा रही हैं और बाहर आ रही हैं, और जैसे जैसे ये एनर्जी की लहरें सर के अंदर से बाहर निकल रही हैं, ये अपने ये जो आपका स्ट्रेस का जो वायरस था, ये उसको भी अपने साथ बहा के दूर लेके जाती जा रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पानी जो है डस्ट को, गर्द को बहाकर दूर अपने साथ लेकर जाता जाता है। आपने ये तसव्वुर करते रहना है, मुसलसल के अंदर से नई लहरें निकल रही हैं और बाहर वाली लहरें दूर जाती जा रही हैं, और इस वायरस को आपसे दूर लेकर जाती जा रही हैं।
ये तसव्वुर मुसलसल करते रहना है। पहले अंदर वाली लहरों पर फोकस करना है कि नई लहरें निकल रही हैं, फिर उनको बाहर जाते हुए देखना है कि वो वायरस को साथ ले जा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये वायरस आपके साथ साथ निकलता हुआ दूर जाना शुरू हो जाएगा। पहले कुछ कम होगा, फिर ज़्यादा जाना शुरू हो जाएगा, फिर सारे का सारा जाना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता दूर जाना शुरू हो जाएगा। शुरू में आपको अगर ये तसव्वुर करने में मुश्किल हो कि आपके अंदर से लहरें निकल रही हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ये नॉर्मल है। आप थोड़ी देर रिलैक्स रहना है, टेंशन नहीं करनी, ये इमेजिन करना है और फील करना है कि आपके अंदर से लहरें निकल रही हैं और वो दूर जा रही हैं। इन लहरों का कोई रंग होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपकी ये फीलिंग है कि लहरें होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट भी हो सकती हैं, एनर्जी या वार्म्थ की शक्ल में भी आपको नज़र आ सकती हैं, या किसी भी सूरत में आपको नज़र ना भी आए तो महसूस हो सकती हैं, फील हो सकती हैं। वरना आपने अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन से ये फील करना है कि लहरें निकल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता निकल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही हैं, स्ट्रांग हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जा रही हैं, बाहर निकल रही हैं, और इस वायरस को आपसे दूर से दूर, दूर से दूर लेके जाती जा रही हैं। इनको आपने इतना दूर जाते हुए देखना है, इस वायरस को, स्ट्रेस के वायरस को। अपने आप को बताते जाएं बार बार कि ये मेरा स्ट्रेस का वायरस दूर जा रहा है, फलां काम के स्ट्रेस का वायरस दूर जा रहा है। और जब तक आप जिस कमरे में बैठे हैं उसकी दीवारों से भी इसको क्रॉस करा दें, दूसरी तरफ ले जाएं, छत से दूसरी तरफ ले जाएं, ज़मीन के अंदर चला जाए, अगर आप ओपन ग्राउंड में बैठे हैं तो दूर आसमानों तक ले जाएं, इतनी दूर तक इसको जाता हुआ तसव्वुर करें। याद रहे, हम अपनी इमेजिनेशन में कुछ भी सोच सकते हैं। आपने अपनी इमेजिनेशन की ताकत से काम लेना है और ये तसव्वुर करने और साथ इसको महसूस करते चले जाना है। जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज करते चले जाएंगे, आपको फील होता जाएगा कि वो वायरस, वो जो सर के इर्द गिर्द आपको जो चीज़ एक बोझ की शक्ल में या तंगी की शक्ल में महसूस हो रही थी, वो वाकई आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, वो ख़त्म होती जा रही है। और जब तक ये एक्सरसाइज आप मुकम्मल करेंगे, आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके होंगे। तो इस तरीके से ये आपने एक्सरसाइज करनी है और इस वायरस को अपने से दूर लेके जाते जाना है। जब तक आपके वायरस ख़त्म ना हो जाए तब तक आपने एक्सरसाइज करनी है। फिर आपने क्या करना है कि आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि ये वायरस आपके सर के अंदर भी मौजूद है, दिमाग के बाहर है लेकिन सर के अंदर है। इस तरह भी इमेजिन करके इसको एक्सरसाइज करेंगे तो और ज़्यादा वायरस निकलेगा, और ज़्यादा आपको आसानी होगी, और ज़्यादा आप लाइट होते चले जाएंगे। अच्छा, अब ये एक्सरसाइज किस किस काम के लिए यूज़ की जा सकती है, ये मैंने इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें लिखी हैं। ये आपने, आपको एनजाइटी है, आप एनजाइटी का वायरस तसव्वुर कर सकते हैं, आप डिप्रेशन का वायरस तसव्वुर कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, अनइजीनेस, होपलेसनेस, सुसाइडल थॉट्स, ये OCD एक नफसियाती बीमारी होती है, उसके लिए कर सकते हैं। या कोई भी चीज़ जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, जो आपके जहन पे वज़न डाल रही है, जो प्रेशर डाल रही है आपकी शोल्डर पे, आपकी नेक पे, उस पे भी आप डाल सकते हैं। अगर आपका प्रेशर ज़्यादा नेक पे और शोल्डर्स पर है तो आप अपनी नेक और शोल्डर के दरमियान की जगह नेक, वहाँ से भी इसी तरह रेज निकाल सकते हैं और उस चीज़ को बाहर फेंक सकते हैं आप। अच्छा, ये तो एनजाइटी डिप्रेशन कुछ चीज़ें होगी। इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में छोटे मोटे बहुत से स्ट्रेसर्स होते हैं। जैसे कोई कहे कि जी मेरा जो लाइफ पार्टनर है, मेरी उसके साथ लाइफ अच्छी नहीं गुजरी, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम बस मजबूरी में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो आप उसके साथ भी ऐसा कर सकते हैं कि मुझे अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहने से जो तंगी हो रही है, जो टेंशन होती है, वो उसका वायरस मेरे सर के इर्द गिर्द मौजूद है। मुझे अपने लाइफ पार्टनर को देखकर जो एकदम बेख्तियार तंगी सी जहन में आती है, डिस्टर्बेंस आती है, वो डिस्टर्बेंस मेरे जहन के इर्द गिर्द मौजूद है। मेरे लाइफ पार्टनर की फ़लां बात करने से जो मुझे तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ का वायरस मेरे सर के इर्द गिर्द इस शक्ल में मौजूद है। इस तरह अब अपने शरीक हयात की एक एक आदत या एक एक कैफियत जो आपको इरिटेट करती है, वो कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो अपनी मैरिटल लाइफ की शिकायत कर रहे थे, इस एक्सरसाइज को प्लीज़ आजमाएं, इसमें आपके सारे मसाइल का हल है। होगा क्या, आपका लाइफ पार्टनर वैसा ही रहेगा, आप उसी घर में रहते रहेंगे, लेकिन जो आपको पहले अपने लाइफ पार्टनर के तसव्वुर से या उनको देखने से या उनके इंटरेक्ट करने से या बात सुनने से जो आपको तकलीफ़ इरिटेशन होती थी, अब वो नहीं होगी। आप बड़े रिलैक्स और कूल रह के उसी एटमॉस्फेयर को देखेंगे, उसमें रहेंगे, उसको गुजारेंगे, उसको एंजॉय करेंगे और अपनी लाइफ अपने आप में, अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करेंगे। याद रहे कि एक्सरसाइज उनके लिए है जो अपने हालात चेंज नहीं कर सकते लेकिन अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, एक्सरसाइज उन लोगों के लिए है। इसी तरह पेरेंट्स से मुतल्लिक एक्सरसाइज की जा सकती है कि जी कोई कहे जी मेरे फादर या मेरी मदर जब मुझे ये बात करते हैं तो मुझे बड़ी तंगी होती है,
तो आप यूँ तसव्वुर कर सकते हैं कि जी मेरे पेरेंट्स की फ़लाँ बात से जो मुझे तंगी होती है वो उसका वायरस मेरे सर के इर्द गिर्द मौजूद है। बच्चों के साथ कर सकते हैं, अपने कोलीग्स ऑफिस अपने बॉस के साथ कर सकते हैं कि अपने बॉस को देखते ही जो मुझे इरिटेशन या गुस्सा आता है, या फ़लाँ शख्स को देखने से जो मुझे एकदम गुस्सा आता है उस गुस्से का वायरस यहाँ मौजूद है, या बॉस की फ़लाँ आदत से जो मुझे होता है, या बहुत ज़्यादा जब ऑफिस का मेरा काम ऑफिस वर्क स्ट्रेस आती है, या कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो स्ट्रेस आती है पढ़ाई की, उसका वायरस जो है वो मेरे सर के इस शक्ल में मौजूद है, मेरे दोस्तों की बातें। और कोई इंसान, कोई अनवांटेड सिचुएशन, कोई अनवांटेड प्लेस, एनी एन अनवांटेड थिंग, कोई भी चीज़ जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, जिसका तसव्वुर आपको तंग करता है, आप ये भी कर सकते हैं कि जी फलां चीज़ का तसव्वुर जो मुझे तकलीफ़ देता है, उस तसव्वुर के वायरस, उस तसव्वुर की तकलीफ़ का वायरस मेरे सर के इर्द गिर्द इस तरीके से मौजूद है, और इसको आपने अपने अंदर से निकालना है। जितने आप वर्ड्स चेंज करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको वर्ड चेंज करके, अल्फाज चेंज करके, सिचुएशन चेंज करके करेंगे ट्राई, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर से ये चीज़ निकलेगी, और ये हमेशा हमेशा आपके अंदर से निकल जाएगी, और आप रिलैक्स, पुरसकून, एक सुपर ह्यूमन बीइंग और एक ज़बरदस्त इंसान बन जाएंगे, जो जिसकी सलाहियतें जाग चुकी हैं, जिसका जिसकी इंटेलिजेंस जाग चुकी है, और जो अपनी ज़िंदगी खुद बहुत ज़बरदस्त तरीके से हैंडल कर सकता है, कर सकती है, और एक ज़बरदस्त ज़िंदगी जी सकते हैं। ये एक्सरसाइज करें और इससे अपनी सारी तकालीफ हल्की फुल्की करें। और रूल वही है कि शुरू में एक्सरसाइज आपसे अगर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा, तो जितनी दफ़ा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। इस एक्सरसाइज को रिलैक्स रह के, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करके उतनी दफ़ा करना है कि आप एक बिल्कुल न्यूट्रलाइज किस्म के ऐसे इंसान बन जाएं जिसको कोई गम, कोई तकलीफ, कोई चीज़ तंग करती ही ना हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।